दोस्तों, यह है करीमनगर, जो कि तेलंगाना राज्य का पांचवा सबसे बड़ा शहर है। यह इस राज्य का एक प्रमुख व्यापार केंद्र और व्यापक रूप से अपने ग्रेनाइट के लिए प्रसिद्ध है, जिस वजह से करीमनगर को द सिटी ऑफ ग्रेनाइट भी कहा जाता है। वहीं करीमनगर को पहले इला गंडाला के नाम से जाना जाता था, जिस पर पश्चिम चालुक्य जैसे कन्नड़ राजाओं का शासन हुआ करता था, लेकिन बाद में हैदराबाद के शासक निजामों ने इसका नाम बदलकर करीमनगर कर दिया, जो सैयद करीमुल्ला शाह कादरी के नाम पर रखा गया। वहीं वर्तमान समय में करीमनगर तेलंगाना राज्य का एक काफ़ी महत्वपूर्ण सिटी है, जो मनेर नदी के तट पर 40.50 किलोमीटर स्क्वायर एरिया के बड़े क्षेत्र पर फैला हुआ है। और अगर बात की जाए यहाँ की जनसंख्या के बारे में, तो 2011 सेंसस के आधार पर यहाँ की आबादी तकरीबन 5 लाख के करीब है, जिसमें कि धार्मिक दृष्टिकोण से 77.10% हिंदू, 20.71% मुस्लिम, 1.30% क्रिश्चियन, 0.37% सिख और बाकी यहाँ पर कुछ अन्य धर्मों के लोग भी निवास करते हैं। करीमनगर में मुख्यतः तेलुगु, उर्दू और थोड़ी बहुत हिंदी भाषा बोली जाती है। वहीं अगर बात की जाए इस शहर के ट्रांसपोर्टेशन सुविधाओं की, तो ये शहर मेनली रोड और रेल के माध्यम से तेलंगाना के अलग अलग शहरों से जुड़ा हुआ है, तथा यहाँ का नज़दीकी एयरपोर्ट राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो कि यहाँ से 210 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वहीं करीमनगर को नॉर्थ वेस्टर्न तेलंगाना का एजुकेशनल सेंटर भी कहा जाता है, क्योंकि करीमनगर में कई सारे टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, मेडिकल कॉलेज और लो कॉलेज जैसे कई शिक्षा संस्थान मौजूद हैं। और आइए अब जान लेते हैं करीमनगर के कुछ प्रसिद्ध स्थलों के बारे में। तो यहाँ पर इला गंडल फोर्ट, जगतियाल फोर्ट, कल्याणम शॉपिंग मॉल, कोंदागट्टू अजन्या स्वामी टेम्पल और रामागुंडम डैम जैसी जगहें प्रसिद्ध हैं।